हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम पढ़ेंगे हमारा जो सेकंड टॉपिक वीडियो का पार्ट है टिश्यू का। फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा हमने एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। टिश्यू गेट सपोर्ट एंड कनेक्ट्स अदर टिश्यूज एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या है, जो अदर बॉडी पार्ट्स है उनको कनेक्ट करता है ये टिश्यू। इट इज मोस्ट अबाउंडेड एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन ओवर बॉडी। सबसे चौड़ा और सबसे फैला हुआ सबसे जो टिश्यू होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले इसका जो फंक्शन है, बाइंड्स टुगेदर सपोर्ट एंड स्टेंथनेस अदर बॉडी टिश्यू, मतलब स्टोनेस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और कैप प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, और इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। थर्ड इसका ट्रांसपोर्टेशन लाइक ब्लड, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। स्टोरेज लाइक एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू की तरह क्या है ये, क्या स्टोरेज करता है। मेन साइट ऑफ इम्यून रिएक्शन लाइक कुफर सेल एंड मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जो होता है इम्यून सिस्टम रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, कौन कौन से फाइबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, फाइबर्स, देयर आर थ्री टाइप ऑफ फाइबर्स फाउंड इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, द स्पेस बिटवीन सेल फिल्ड बाय मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, जो सेल्स होती है, सेल ग्रुप ऑफ सेल, उसके अंदर जो स्पेस होता है जो उसको भरता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। फाइबर्स आर सेलुलर प्रोडक्ट सीक्रेट बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। फाइबर्स का एक सेलुलर पार्ट होता है जो कनेक्टिव टिश्यू द्वारा, सेल के द्वारा सीक्रेट होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, सबसे पहले जो फाइबर्स होता है वो हमारा होता है कोलेजन फाइबर्स। इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन प्रोटीन, किससे मिलकर बना होता है, कोलेजन प्रोटीन से। इट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स इन टू बॉडी सो गिव स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यू, ये स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू को। सेकंड जो हमारा हुआ है इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स इज इट कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक प्रोटीन सो हैज अ यूनिक प्रोटीन प्रायोरिटीज टू स्ट्रेच अप टू 150% ऑफ देयर रिलैक्स लेंथ। क्या लेंथ, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। इसके बाद थर्ड है रेटिकुलर फाइबर, इट गिवन सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यू लाइक कोलेजन फाइबर्स। ये एक कोलेजन फाइबर जो होता है उसकी तरह ही काम करता है, स्टोनेस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये थे हमारे तीन फाइबर्स जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो सबसे पहला जो है हमारा मेन वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इट कंटेन लेस फाइबर एंड मोर सेल। इसके अंदर क्या लेस फाइबर होता है और मोर सेल्स, ज्यादा सेल होती है। सो सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अटैच, इसके अंदर क्या लूजली अटैच होता है सेल एंड फाइबर्स का। इट अगेन डिवाइडेड इन सब टाइप्स, ये वापस तीन भागों में डिवाइडेड, एलुलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर, ये तीन भागों में डिवाइडेड लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले एलुलर कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी, सबसे ज्यादा फैला हुआ जो होता है एलुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। प्रेजेंट इन टू ऑलमोस्ट एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, सभी स्ट्रक्चर बॉडी में, जो स्ट्रक्चर है सभी में एलुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट इज कॉल्ड पैकिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी, एक उसको पैकिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, किससे मिलकर बना होता है, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स से। इट इज मेनली फाउंड सब कनेक्टिटेनियसली एंड ग्रिफ्ट द एपिथीलियम ऑफ द ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड एपिथीलियम की सभी म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट, स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करता है, इसके बाद इलास्टिसिटी इसको प्रोवाइड करता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में, ठीक है।
सेकेंड जो है हमारा एडिपोज, इट कंसिस्ट ऑफ एडिपोज सेल विच फिल्ड विथ सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन देयर साइटोप्लाज्मा। इसका फंक्शन क्या होता है? रिड्यूस हीट लॉस, हीट लॉस को क्या रिड्यूस करता है? सीवियर एनर्जी, एनर्जी सर्वाइवर एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन को, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद जो हमारा थर्ड है रेटिकुलर या फिर इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क, नेटवर्क कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इट कंसिस्ट मोस्टली रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर से मिलकर बना होता है। फंक्शन इसका फॉर्म स्ट्रोमा, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लीवर स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, इनके फ्रेमवर्क में काम करता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये थे हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू के थ्री टाइप्स। अब जो हमारा सेकेंड जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद सेकेंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कंटेन मोर नंबर ऑफ फाइबर्स एंड सो सेल्स एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। इसके अंदर क्या कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसके अंदर फाइबर्स एंड सेल्स ज्यादा नंबर में होती है। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, सबसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसका फर्स्ट पार्ट है। फाइबर्स आर अरेंज इंटू पैरेलल बाउंडेड बंडल्स ऑफ फाइबर्स, एग्जाम्पल लिगामेंट एंड टेंडन्स। लिगामेंट टेंडन्स जो बोन्स एंड मसल्स के बीच में होते हैं उसको कहते हैं, बोन बोन्स के बीच में होता है उसको टेंडन कहते हैं। इसके बाद फंक्शन इसका प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर्स, वेरियस स्ट्रक्चर होती है बॉडी में, वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है। इसका सेकेंड पार्ट है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं इसको? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, सेल एंड फाइबर्स आर अरेंज डिसऑरियंटेड, एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू इनटू स्किन। स्किन जो इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर में बनी होती है उसी तरह से इरेगुलर शेप कनेक्टिव टिश्यू में बना होता है। इसका फंक्शन प्रोवाइड पुलिंग स्ट्रेन इन द मेनी डायरेक्शन, जो बहुत सी डायरेक्शन में क्या स्ट्रेन वगैरह प्रोवाइड करता है, जैसे स्किन में जो होता है इलास्टिक वगैरह भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद थर्ड जो है हमारा इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, मेनली कंटेन इलास्टिक फाइबर, ये किससे मिलकर बना होता है, मेनली इलास्टिक फाइबर से मिलकर बना होता है। फंक्शन इसका प्रोवाइड स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी इन वेरियस ऑर्गन लाइक लंग्स एंड आर्टरीज, आर्टरीज और लंग्स में क्या है, ये वेरियस जो ऑर्गन होते हैं लंग्स एंड आर्टरीज में स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव तनाव इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ये था हमारा सेकेंड जो पार्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू, पहले हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड में डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके भी तीन पार्ट रेगुलर इरेगुलर और इलास्टिसिटी। अब हम आगे पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट कनेक्टिव टिश्यू का, थर्ड इसका कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इट इज फेमर देन अदर कनेक्टिव टिश्यू एस्पेक्ट एंड बोन, ये बोन के छोड़ के समझ होता है। मेच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, इमेच्योर कार्टिलेज सेल कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट, इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, किससे मिलकर बना होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर से। इसके बाद कार्टिलेज हैव नो ब्लड सप्लाई सो हील वेरी स्लोली, इसके अंदर क्या है, कार्टिलेज जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसकी वजह से कोई इसके अंदर कट वगैरह लग जाए या कोई इंजरी हो जाए तो उसका हीलिंग बहुत ही स्लो होता है। अब इसके तीन टाइप है वापिस, पहला है हमारा हाइलिंग कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ वीकेस्ट एंड मोस्ट अबाउंडेंट कार्टिलेज इन द बॉडी, ये एक सबसे वीकेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ लेरिंग्स ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, ये कौन कौन से पार्ट बनाता है, लेरिंग्स ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स नोज एंड मोस्ट ऑफ फिटल स्कल, इनमें हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसके बाद फाइब्रो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज बिकॉज इट इज कंटेन कोलेजन फाइबर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स
मिलकर बनाता है कोलिन फाइबर से, एग्जांपल इंट्रा वर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिंपाइसिस प्यूबिस जो होती है बोन, वो इससे मिलकर बनी होती है। और जो इंट्रा वेंट्रिकुलर वर्टिब्रल सॉरी वर्टिब्रल जो डिस्क होती है बीच में वर्टिब्रा के बीच में, वो भी इससे मिलकर बनी होती है कार्टिलेज से, फाइब्रो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू से। अब लास्ट इसका जो पार्ट है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू का, वो है इलास्टिक कनेक्ट कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, इट कंटेन इलास्टिक फाइबर सो इट इज हैज इलास्टिक प्रायोरिटीज। ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है एक तरह से, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्ट्रक्चर लाइक एक्सटर्नल ईयर एंड ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ईयर की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज के कारण होती है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल होता है। और इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स के कारण भी इसके अंदर एक्सटर्नल जो ईयर होता है हमारा पिन्ना वगैरह, वो इससे मिलकर बना होता है। तो ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लेक्चर, जो जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर दोनों के लिए पढ़ाए जा सकते हैं। ये हमारे जो वीडियो है टिश्यू जिसका सेकेंड पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड में हम पढ़ रहे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आई होप आपको कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक यू एंड गुड बाय।